तो हेलो एंड वेलकम अगेन दोस्तों। जवान ने कल शानदार 21 दिन कंप्लीट करके आज 22वें दिन में एंट्री मार ली है और जवान ने अभी तक कितनी कमाई कर ली है ये सारी चर्चा का आज बात करेंगे एक एक करके। कल डे 21 में कैसी कमाई करी, आज 22वें दिन कैसी ग्रोथ चल रही है, फर्स्ट डे कितनी कमाई करी, फर्स्ट वीक में कितनी कमाई करी, पहले दोनों हफ्ते में कैसी कमाई करी, लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन मूवी और कितना कर सकती है, अभी तक कितनी मूवी के रिकॉर्ड्स है और कौन कौन से रिकॉर्ड्स अपने नाम कर चुकी है, सब बातों पर चर्चा करेंगे डिटेल टू डिटेल एक एक करके। लेकिन उससे पहले वीडियो को एक लाइक और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और जवान मूवी से लगातार बिग अपडेट चाहते हैं तो हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहना। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। अटली कुमार के डायरेक्शन में 300 करोड़ के खर्चे पर बनने वाली जवान, जिसके मेन लीड पर आपको मल्टीपल रोल्स में द किंग खान, बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान देखने को मिलेंगे। इसी के साथ मल्टीपल कैमियोज भी देखने को मिलेंगे जिसमें दीपिका और संजय दत्त जैसे दिग्गज स्टार देखने को मिलेंगे। साथ में सेकंड लीड में नयनतारा जो जबरदस्त साथ निभाकर चल रही हैं। इसी के साथ सपोर्टिंग कास्ट में ऑल्सो चार चांद लगाते हुए सानिया मल्होत्रा, प्रिया मनी, सुनील ग्रोवर ने जबरदस्त काम किया है और विलेन में विजय सेतुपति ने सुपर फैंटास्टिक जॉब किया है। इसी साथ मल्टीपल एसआर के पर अकेला विजय सेतुपति भारी पड़ा है। कॉन्टेंट इज सुपर अमेजिंग एंड सोशियो पॉलिटिकल करप्शन के मुद्दे पर बात उठाई गई है और जबरदस्त तरीके से उठाई गई है। साउथ के डायरेक्टर हैं इसीलिए साउथ का तड़का देखने को मिला और वही जबरदस्त भी लगा क्योंकि मास मसाला में हमें एक्शन तो देखने को मिलना ही मिलना है, अगर स्टोरी लाइन बेस्ट हो जाती है तो मूवी कंप्लीट हो जाती है और जवान कंप्लीट एक धमाकेदार मूवी है। तो अभी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करते हैं। फर्स्ट डे ह्यूज कलेक्शन किया पहले दिन में पूरी दुनिया से 130 करोड़ का और पहला हफ्ता कंप्लीट करते करते सिर्फ हिंदी से 327 करोड़ ले आई थी ये मूवी और पूरी दुनिया से 660 करोड़ का कलेक्शन कर चुकी थी। और दूसरे हफ्ते की शुरुआत भी जबरदस्त करी, 8वें, 9वें और 10वें दिन में सॉलिड ग्रोथ करते हुए पहले 10 ही दिन में ऑल ओवर इंडिया से 442 करोड़ का टोटल नेट इंडियन कलेक्शन कर चुकी थी और सिर्फ हिंदी से जिसमें से 396 करोड़ ला चुकी थी और पूरी दुनिया से मूवी 10 ही दिनों में 812 करोड़ के मार्वलस आंकड़े को अपने खाते में रख चुकी थी। दूसरा हफ्ता कंप्लीट करते करते मूवी ने पहले तो पूरी दुनिया से 922 करोड़ का कलेक्शन किया और टोटल नेट इंडियन कलेक्शन दूसरा हफ्ता कंप्लीट करते करते 520 करोड़ का कर लिया था जिसमें सिर्फ हिंदी से 466 करोड़ का ह्यूज कलेक्शन आया था। इसी के साथ 15वें, 16वें और 17वें दिन में और 18वें दिन में भी जबरदस्त ग्रोथ करते हुए एवरेज कमाई करते दिखी क्योंकि इस टाइम पर वर्किंग डेज था और साथ में गदर 2 भी चल रही थी तो काफ़ी सोच मूवी के छिन चुके थे, इतनी अच्छी ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही थी। इसी के साथ सिर्फ पहले 17 दिन में ही 492 करोड़ का आंकड़ा सिर्फ हिंदी से कलेक्शन किया था और पूरी दुनिया से ये मूवी पहले 17 दिन में 979 करोड़ के ह्यूज कलेक्शन के आंकड़े को अपने खाते में रख चुकी थी। इसी के साथ 18वें और 9वें दिन भी जबरदस्त ग्रोथ करी और पहले 19 दिन में ही सिर्फ हिंदी से 510 करोड़ आ चुका था और पहले 19 दिन में ही टोटल नेट इंडियन कलेक्शन 566 करोड़ के आंकड़े को अपने खाते में रख चुकी थी और पूरी दुनिया से ये मूवी 19 दिन में ही 1015 करोड़ के ह्यूज कलेक्शन को अपने खाते में रख चुकी थी। बात करें 20वें दिन कैसी ग्रोथ रही, अमेजिंग ग्रोथ रही, ठीक ठाक ग्रोथ देखने को मिली क्योंकि इस टाइम पर विकी कौशल की मूवी भी आ चुकी थी और गदर 2 तो साथ में चली रही है। तो सिर्फ हिंदी से 4.40 करोड़ का कलेक्शन किया और टोटल नेट कलेक्शन तीनों लैंग्वेज को मिलाकर 4.90 करोड़ का कलेक्शन कर लिया था और पहले 20 ही दिनों में सिर्फ हिंदी से 515 करोड़ का कलेक्शन ये मूवी कर चुकी थी और टोटल नेट इंडियन कलेक्शन पहले 20 दिन में 571 करोड़ का हो चुका था। वही ग्रॉस कलेक्शन 636 करोड़ हो चुका था और ओवरसीज से पहले 20 दिन में 335 करोड़ के आंकड़े को अपने खाते में ला चुकी थी ये मूवी और टोटल पूरी दुनिया से पहले 20 दिन में ही 1022 करोड़ के आंकड़े को अपने खाते में रख चुकी थी। बात करें कल यानी थर्ड वेनसडे यानी 21वें दिन कैसी ग्रोथ रही, एवरेज ग्रोथ रही, वर्किंग डेज है, ट्यूजडे वर्किंग डे था तो ग्रोथ में डिप देखने को मिली, साथ में दो मूवी और चल रही है उन्होंने भी कलेक्शन को खाया है तो सिर्फ हिंदी से 4 करोड़ की कमाई करते नजर आई कल मूवी एंड ऑफ द डे तक और टोटल नेट इंडियन कलेक्शन 4.5 करोड़ का आता दिखा है, क्रॉस से 6 करोड़ आता दिखा है और पूरी दुनिया से 8 करोड़ की कमाई करते दिखी थी ये मूवी कल एंड ऑफ द डे तक। इसी के साथ सिर्फ हिंदी से पहले 21 दिन में 519 करोड़ के आंकड़े को अपने खाते में रख चुकी थी और पहले 21 दिन में ही नेट इंडियन कलेक्शन 575 करोड़ हो चुका था और पूरी दुनिया से ये मूवी पहले 21 दिन में ही 1030 करोड़ के मार्वलस आंकड़े को अपने खाते में रख चुकी थी। और साथ में बाहुबली 2 के हिंदी लाइफ टाइम कलेक्शन के रिकॉर्ड को तो इसने खदेड़ ही दिया है, अब बस गदर 2 बची है जिसका आंकड़ा आई थिंक 523 या 524 करोड़ के आसपास है जो आने वाले
वाले 2 से 3 दिन में ही ये बीट डाउन कर देगी और पठान के आंकड़े को आने वाले 5-6 दिन में ही बीट डाउन कर देगी, जो हिंदी से लाइफ टाइम कलेक्शन है आई थिंक 25 या 26 करोड़ के आसपास। तो जवान इसके बाद नंबर 1 पर आ जाएगी सिर्फ हिंदी से लाइफ टाइम कलेक्शन के मामले में, और जवान ने पठान के टोटल लाइफ टाइम नेट इंडियन कलेक्शन के रिकॉर्ड को तो खदेड़ दिया है और गदर 2 के लाइफ टाइम कलेक्शन को तो इसने खदेड़ दिया है। बस एक आध रिकॉर्ड और बचे हैं और ये मूवी हर जगह से नंबर 1 पर आ जाएगी, सिंगल डे में कमाई के मामले में फास्टेस्ट, ग्रॉसिंग के मामले में फास्टेस्ट, 500 करोड़ कंप्लीट करने के मामले में फास्टेस्ट, 1000 करोड़ कंप्लीट करने के मामले में, और अब 1100 करोड़ कंप्लीट करने के मामले में ये मूवी आने वाले 10 दिन में अपने नाम कर लेगी ये खिताब भी। बात करें आज यानी 22वें दिन यानी थर्ड थर्सडे को कैसी ग्रोथ चल रही है, तो आज वर्किंग डे सिंगल डिजिट कलेक्शन देखने को मिलेंगे, आज भी उतनी कमाई नहीं कर पाएगी, एवरेज ग्रोथ रहेगी। जैसे तो ओवरऑल 10 से 12% की ऑक्यूपेंसी के साथ मूवी इवनिंग और नाइट में कुछ अच्छे सोच अपने खाते में रख रही है। तो सिर्फ हिंदी से आज 4 करोड़ का कलेक्शन आता दिखेगा और टोटल नेट इंडियन कलेक्शन तीनों लैंग्वेज को मिला के 4.5 करोड़ आता दिखेगा। पूरी दुनिया से मूवी आज फिर 8 करोड़ की कमाई करते नजर आएगी। इसी के साथ पहले 22 दिन में ही 523 करोड़ के मार्वलस आंकड़े को अपने खाते में रख लेगी सिर्फ हिंदी से, और मे बी आज ही गदर 2 के रिकॉर्ड टूट जाए एंड ऑफ द डे तक, वरना कल ये मूवी गदर 2 के हिंदी लाइफ टाइम कलेक्शन के रिकॉर्ड को खदेड़ देगी। इसी के साथ पहले 22 ही दिनों में आज एंड ऑफ द डे तक ऑल इंडिया नेट से 580 करोड़ के क्लब में एंट्री मार लेगी और आने वाले 5 दिन में ही ये मूवी नेट इंडियन कलेक्शन से 600 करोड़ के आंकड़ा अपने नाम कर लेगी, जो कि नंबर 1 मूवी बन जाएगी बॉलीवुड की जिसने अभी तक 600 करोड़ नेट इंडिया से कोई कलेक्ट कर ही नहीं पाया। और पूरी दुनिया से जवान आज एंड ऑफ द डे तक 1038 करोड़ के आंकड़े के मार्वलस आंकड़े को अपने खाते में रख लेगी, जो आने वाले कुछ ही दिनों में 1100 करोड़ हमें देखने को मिलने वाला है। तो अभी लाइफ टाइम कलेक्शन मूवी और कितना कर सकती है, मैं मान के चल रहा हूं ये मूवी अब 1150 करोड़ तो जाएगी ही जाएगी। आप लोगों का क्या कहना है, क्या मूवी 1150 करोड़ कंप्लीट कर पाएगी या 1200 करोड़ टच कर जाएगी, जो भी आपकी राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बता के जाना। बाकी मूवी रूबर बॉक्स ऑफिस से जुड़ी सभी अपडेट्स के लिए और बॉलीवुड हॉलीवुड साउथ फिल्मों के अपडेट्स के लिए हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहना, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, दूसरा अंगूठे वाला बटन दबा के वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, जय हिंद।